अरे क्या बात है, कैसी हो नागिन? अच्छा उए, आज तुम्हारा फन नीचे से निकल रहा है, ये देखो। अच्छा कोई नहीं, मेरे को लगा नागिन उल्टी ऐसे सर के बल आई। अच्छा ओके, करण सर तुम्हारे हीरो हैं जी। ठीक है, बांका नौजवान लौंडा 24 साल का, छोटी छोटी निक्कर पहन के खड़ा तुम्हारे साथ। ये गलत है, मैं अगर निर्देशक हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं दूर से इनको देख सकूं, तो इसीलिए आप फिलहाल इस फिल्म के हीरो हैं। मैं तो ये कह रहा हूं हीरो बनाओ, जो निक्कर है जो जो भी है आप पहन रहे हैं और मैं देख रहा हूं। आपके सामने मैं निक्कर क्यों पहनूं? ओके चलिए मान लीजिए भाई मैंने निक्कर पहनी है, आपने निक्कर पहनी है, धर्मा बोले तो मान नहीं पड़ेगा। पर सर फीलिंग चेक करना, मतलब कितनी फीलिंग आ रही है। तुम्हारा डायलॉग है इजी इजी प्लीज, बहुत सिंपल है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं जरूरत बनना चाहती हूँ। वैसे लाइन वो नहीं है, क्या है बताएं? मैं तुम्हारी जरूरत नहीं ख्वाहिश बनना सर। ये जो आप मुझे देख के बोलते हैं ना, बड़े प्यार से बोली आपने ये लाइन। मैं आप ही को देख के ये लाइन कहना चाहता था। ये भी बात है सर। तुम ना किसी की जरूरत बनने की औकात है ना ख्वाहिश। मेरे को देख। आई, आप सामने आई, मैं खड़ा। एंड एक्शन। मैं किसी की जरूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। वही सर, चेक करिएगा। ओके बहुत अच्छी तरह कहा मोनी ने, बहुत हाँ, बात है सर। और आपका रिएक्शन बहुत फ्लॉप था। हाँ फिर आगे बढ़ो प्लीज, मेरा एक्सप्रेशन। हाँ मैं किसी की जरूरत नहीं आपकी ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। तुम ना किसी की जरूरत हो ना किसी की ख्वाहिश, तुम बस बदहजमी हो। पूजा गौर से देखें। मैं तुम्हारी जरूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती। ओए आप बताए, प्लीज बताए कौन है विनर, बताइए। विनर अन्नु है, क्यों जिन्होंने लाइन नहीं कहा। थैंक गॉड इन्होंने ये लाइन को बख्श दिया, इसीलिए मैंने इनको अवार्ड देना है, इनको दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, थैंक यू। लेकिन सर मेरा वर्डिक्ट ये है, इन तीनों के डायलॉग से ज्यादा आपके डायलॉग में फीलिंग थी सर। मैं आपकी आंखों में आके कहता हूँ जी सर, मान ले मैं किसी की जरूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। जोरदार तालियां, थैंक यू। आइए प्लीज, आइए आइए।